लोकेशन हाजी अली है। ये दरगाह पीर हाजी अली शाह की मज़ार है। ये मुस्लिम धर्म स्थल है, लेकिन यहाँ हर रोज़ हर धर्म के लोग आते हैं और ये मुंबई का बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस है। लोगों का मानना ये है कि यहाँ हर धर्म के लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं। तो मैं भी जा रही हूँ आज एक मन्नत मांगने के लिए, तो चलो मेरे साथ। हाँ, और बाकी आगे की इन्फॉर्मेशन मैं आगे के ब्लॉग में। इसके बाद का सफ़र हमें पैदल ही तय करना होता है, जहां आपको एक अंडरग्राउंड रास्ता मिलता है जिसके आसपास बहुत सारे छोटे छोटे शॉप्स होते हैं, जहां पे आपको ज्वेलरी, मेकअप के सारे सामान, ईयर रिंग्स, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें मिलती हैं। यहाँ से निकलते साथ ही आपको बहुत सारी दुकानें मिठाइयों की और चादरों की मिलती हैं। यहाँ से मैंने चादर और फूल की मालाएं ली और फिर हम निकल गए दरगाह की ओर। ये दरगाह मुंबई के समुद्र के बीच एक छोटे से टापू पे बनाई गई है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हर साल मुंबई में बहुत तेज़ बारिश होती है, पूरा मुंबई बारिश के पानी में डूब चुका होता है, लेकिन ये दरगाह समुद्र के बीच होते हुए भी इस तक एक पानी की बूंद तक नहीं पहुंचती है बारिश की। इस तक पहुँचने के लिए हमारे लिए यहाँ एक पुल बनाई गई है, लेकिन ये भी बरसात के पानी में पूरी तरीके से डूब चुका होता है। यहाँ तक कि समुद्र इसे अपने अंदर पूरी तरीके से समा लेती है, लेकिन ये दरगाह सुरक्षित रहता है बरसात के दिनों में भी। ये रही वो पुल जो हमारे लिए हाजी अली दरगाह तक पहुँचने का रास्ता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सामने हाजी अली दरगाह है और उसके चारों ओर पानी ही पानी है। कहा जाता है कि पीर हाजी अली एक समृद्ध परिवार से थे। एक बार जब वह नमाज रेगिस्तान में अदा कर रहे थे तो उन्हें एक रोती हुई महिला दिखी। उन्होंने जब महिला से पूछा कि आप क्यों रो रही हैं, तब महिला ने बताया कि उसका एक बर्तन तेल से भरा हुआ रेगिस्तान में गिर गया है। तब पीर हाजी अली ने कहा कि मुझे वो जगह दिखाएं। वो महिला उस जगह पर पीर हाजी अली को ले गई। वहाँ जाकर के पीर हाजी अली ने अपने अंगूठे से ज़मीन को दबाया और फिर वहाँ देखते ही देखते तेल का एक फव्वारा पूरा बाहर आ गया। फिर वो महिला बहुत खुश हुई और खुश होकर के वहाँ से चली गई। लेकिन इसके बाद पीर हाजी अली को रात में अच्छे से नींद नहीं आने लगी। उन्हें लगने लगा कि उन्होंने महिला की खुशी के लिए धरती को चोट लगा दी। इन सब दुखों से दूर होने के लिए वो अपने भाई के साथ व्यापार के सिलसिले में मुंबई आ गए और वो वहीं रहने लगे जहाँ पर अभी उनकी मज़ार है। कहा जाता है कि उनका भाई तो वापस आ गया, लेकिन वो मुंबई में ही रह गए और धर्म का प्रसार प्रचार करने लगे। पीर हाजी अली से जुड़ी एक और बात बहुत ही फेमस है कि कहा जाता है कि जब पीर हाजी अली मक्का की यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने अपने सारे धन गरीबों में बाँट दिए थे। पीर हाजी अली की इस मक्का यात्रा के दौरान मृत्यु हो गई थी और उनकी इच्छा ये थी कि उन्हें ताबूत में बंद करके समुद्र में बहा दिया जाए। ऐसा ही किया गया था और ये ताबूत लेकिन बहते हुए मुंबई के उसी जगह पे पहुंच गई जहां आज पीर हाजी अली की दरगाह है।
जब लोगों ने ये पाया कि यह दाबूत के अंदर पानी की एक बूंद तक नहीं पहुंची है, तो लोगों ने समझ लिया कि पक्का ये दाबूत में कुछ ना कुछ करिश्मा है, जिसके बाद ही इस दरगाह का निर्माण हुआ। ये मज़ार 1500 स्क्वायर फीट एरिया में बना हुआ है और इसकी स्थापना 1431 में हुई। यहाँ मैंने थोड़ी देर दुआ पढ़ी और फिर मन्नत के लिए धागा भी बांधा। यहाँ मज़ार के साथ साथ एक मस्जिद भी है, जहाँ सभी अपनी नमाज अदा करने आते हैं। सफ़ेद संगमरमर के इस मज़ार की मीनार 85 फीट ऊंची है और इसे रंग बिरंगे कांच से तराशा गया है। तो मैं अपना ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। मैंने मन्नत भी मांग ली और दुआ भी पढ़ लिया है। और अगर आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट करें, और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।